Hey, welcome back. स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो अभी समय है स्टार्टअप स्टॉक्स का, जिसमें बात करते हैं कौन सा नया इनोवेशन आने वाला अगले 5 साल में, फिर 10 साल में कौन सा नया बिजनेस क्रिएट किया जाएगा उसके बारे में बात कर रहे थे। नए नए टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, आखिर चल क्या रहे टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि कौन सा नया इनोवेशन आएगी और उससे कौन सा नया बिजनेस क्रिएट किया जाएगा उसके बारे में आइडिया लगती है। और इंडिया से कंट्री को बिजनेस की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे पहली खबर डेट निकल के आती है टाटा की तरफ से। टाटा जो है एक्वायर करना चाहती है एयर इंडिया को। एयर इंडिया जो है इंडियन गवर्नमेंट की जो है एयरलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसको जो है ये प्राइवेटाइज करने वाली है गवर्नमेंट। तो उसके चलते जो है यानी कि स्पेस जेट जो है वो उसके कंपेयर में जो है जो रतन टाटा का जो टाटा फॉर्म्स है वो ज्यादा पैसे दे रही है ताकि वो एयर इंडिया को खरीद सके। फिर से अगली खबर डेट निकल के आती है गूगल की तरफ से। और गूगल जो है वर्क फ्रॉम होम, इस कोविड के समय में जो है वर्क फ्रॉम होम करने के कारण से गूगल को जो है वो लगभग $1 बिलियन का जो है मुनाफा हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। एज कम्पेयर टू जितने मेंटेनेंस होते थे उस ऑफिस में सारे में, उसको कंपेयर करने के लिए इन्हें जो है $1 बिलियन का जो है प्रॉफिट हुआ है। या फिर से अगली खबर डेट निकल के आती है बायजूस की तरफ से। और बायजूस जो है लगभग $150 मिलियन का जो है फंडिंग अचीव करी है UBS से। और अभी जो है बायजूस का करंट वैल्यूएशन यानी कि पूरा मार्केट कैपिटल जो है वो लगभग $16.5 बिलियन का जो है वैल्यूएशन अचीव कर ली है। या फिर से अगली खबर डेट निकल के आती है वर्ल्ड फर्स्ट सोलर कार की तरफ से, यानी कि जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक के साथ इसको जो है सोलर कार भी बनाया जा रहा है, ताकि जो है सोलर से भी चार्ज हो जाए और इलेक्ट्रिक से भी चार्ज हो जाए। यानी कि कहीं कहीं पर जो है सोलर रहती है गर्मी के समय, तो वहाँ पे चार्ज हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट सोलर कार जो है लॉन्च होने वाली है। तो इन्हीं तारीख इनोवेशन के बारे में बात करते हैं कि चल क्या रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। या फिर से अगली खबर डेट निकल के आती है होंडा की तरफ से। होंडा जो है लगभग 2024 तक में जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स लाएगी, उसके 3 मॉडल डिफरेंट मॉडल आएगी। या फिर से अगली खबर डेट निकल के आती है टाटा की तरफ से। टाटा जो है लगभग रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि वैसा सोर्स जिसकी तरीके जो है हमारा कार्बन एमिशन कम हो, यानी कि पॉल्यूशन कम हो, और उसके लेकर जो है और भी काम बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अगले जो भी जितने भी इनोवेशन होंगे, जितने भी नए बिजनेस क्रिएट किए जाएंगे, उसको जो है इस मद्देनजर में देखता जाएगा कि क्या इससे जो है पॉल्यूशन होता है या फिर नहीं। या फिर से अगली खबर निकल के आती है टाटा की तरफ से। टाटा जो है बिग बास्केट को जो है खरीदना चाह रही है, और उसको लेकर कंपटीशन चल रहा है कौन खरीदेगी बिग बास्केट को। या फिर से अगली खबर निकल के आती है सेरम इंस्टीट्यूट की तरफ से। और ये जो है इंडिया में नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्री में जो है कोविड का वैक्सीन जो है प्रोवाइड करेगी, इससे हमारा ये बिजनेस भी बढ़ेगा और अलग अलग देशों में जो है हमारा काम भी किया जाएगा। या फिर अगली खबर डेट निकल के आती है सोलार की तरफ से। और इंडिया में जो है सोलार का थोड़ा सा इंपोर्टेंस बढ़ा है, यानी कि लोगों ने पता चलने लगा है कि सोलर इंपोर्टेंट है, और बहुत सारे जगहों पर जो है सोलर का डिमांड बढ़ते जा रहा है। यानी कि सोलर का डिमांड में हालांकि अडानी ग्रुप भी लगे हुए हैं, टाटा ग्रुप भी लगे हुए हैं, ताकि जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा से ज्यादा सोलर आ सके, सोलर सही भी रहेगा और ज्यादा सस्टेनेबल भी रहेगा। या फिर से अगली खबर अपडेट निकल के आती है, और अंतिम खबर अपडेट निकल के आती है स्टॉक मार्केट की तरफ से। चूंकि आज सैटरडे है, तो मैं आपको हर बार बता चुका हूँ कि सैटरडे और संडे को जो है मार्केट क्लोज रहती है, तो कोई खबर अपडेट निकल के नहीं आती है। वैसे ये थी आज की अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना इसी तरह हर रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।